नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2023 के जनवरी माह में होने वाला है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर तीन बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन बहुत बड़े बदलाव किए गए, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर तीन बहुत बड़े बदलाव आए हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन बड़े बदलाव किस किस पर है, यहाँ पर फीमेल जो कैंडिडेट्स है वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। और यहाँ पर एनसीसी जो भी छात्र हैं, दूसरा बड़ा बदलाव यहाँ पर एनसीसी छात्रों के लिए है, जिनके लिए यहां पर बहुत ही बड़ा बदलाव है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहना। और तीसरा बड़ा बदलाव यहां पर फ्रेंड्स पोस्ट को लेकर बड़ा बदलाव है, यहां पर पोस्ट को लेकर बड़ा बदलाव है, यहां पर ऑफिशियल नोटिस भी आए। फ्रेंड्स, मैं ऑफिशियल नोटिस के साथ आपके सामने बताऊंगा, तो चलिए चलते हम ऑफिशियल नोटिस की ओर। फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया, आप भी एसएससी की साइट पर जाकर वहां पर 15 दिसंबर को ऑफिशियल नोटिस आया है, इसे आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। अब यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर मैं सिंपली इसको पढ़कर बता देता हूँ, मैंने इसे रीड तो कर लिया, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर बता देता हूँ। यहाँ पर पैरा वन में क्या लिखा गया है, पैरा वन में यहाँ पर महिला फीमेल कैंडिडेट्स के यहाँ पर लिखा गया है। अब आपका जैसे एग्जाम क्लियर हो जाता है फीमेल कैंडिडेट्स का, तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PET PST के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको वहाँ पर क्या करना होगा कि वहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन मीन्स फ्रेंड्स वहाँ पर प्रेगनेंसी स्टेटस का वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी अवस्था में हो तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपको वहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन का जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो लेकर जानी होगी। अगर आप नहीं है तो भी आपको लेकर जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर जब आप PET PST का जो टेस्ट देने जाओगे, तो वहां पर आपसे यहाँ पर एक जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लेकर जानी होगी। अगर आप हो प्रेगनेंसी अवस्था में तो आपको जाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको फिजिकल टेस्ट नहीं दिए देने जाएगा। और अगर आप नहीं हो तो आपको वहाँ पर PST PET के एग्ज़ाम देने दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको प्रेगनेंसी स्टेटस का ये मतलब लेकर जाना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन को। और अगर आप नहीं लेकर जाते हो तो आपको एग्ज़ाम PST PET टेस्ट को आपको नहीं देने दिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा बड़ा जो अपडेट है वो फ्रेंड्स ये है, पैरा जो 2 में लिखा गया यहाँ पर एनसीसी छात्रों के, एनसीसी कोटा वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। एनसीसी छात्रों के लिए यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जाम में 2% की छूट मिलेगी, अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 3% की छूट मिलेगी, और अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% की छूट मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास तीनों में से कोई सा भी सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर 5%, 3% और 2% की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। फ्रेंड्स, ये बात बहुत ही ध्यान रखना, आपको छूट मिलने वाली एग्जाम मार्क में, जो मैक्सिमम मार्क के एग्जाम के, उसमें इतने परसेंट की छूट मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहां पर तीसरा बड़ा अपडेट यहां पर पोस्ट को लेकर है, यहां पर पोस्ट को लेकर तीसरा बड़ा अपडेट है। अब तीसरा बड़ा अपडेट को मैं रीड करके बता देता हूं कि कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग CAFS ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑल 8 प्रेफरेंस सेल बी एसेंशियली। तो यहां पर लिखा गया है इन्होंने सिंपली कि जो कैंडिडेट्स है वो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेफरेंस है, मतलब जिन्होंने 8 प्रेफरेंस आपने चूज़ करे होंगे, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके 8 प्रेफरेंस आपने क्या करे होंगे, चूज़ करे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आपने जब 8 प्रेफरेंस चूज़ करे हैं, तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे ही आपका जो SSC GD में सिलेक्शन हो जाता है, वो 8 प्रेफरेंस उसे आप चेंज भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो 8 प्रेफरेंस है आपके उसे चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको पोस्ट में लग रहा है कि मुझे उसकी पोस्ट चाहिए, तो आप उस पोस्ट को वहाँ से वहाँ तक चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपको किसी भी पोस्ट दूसरी पोस्ट में अगर आपको चाहिए, तो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे लिखा है उस, और अगर आपको लास्ट वाली चाहिए तो आपको लास्ट फर्स्ट में एक बार आपको मौका दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो बहुत बड़े अपडेट थे, इसे मैंने आपके सामने हाल फिलहाल में ये अपडेट आया, तो मैंने इसे आपके सामने शेयर करा। तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि SSC GD SSC CHSL SSC MTCS जिस भी एग्जाम आती है उसकी हर एक इंफॉर्मेशन आपको रियल एंड ऑथेंटिक इस चैनल पर मिलती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।